सुमित्र बुजुर्गोर, सुमित्र उपाध्याय, रेज शर्मा, जितेंद्र सिंह शर्मा, इनका भी योगदान बराबर रहता है। प्रांतीय मुख्य संरक्षक और अखिल भारतीय बुजुर्गों महासभा का राष्ट्रीय प्रभारी होने के नाते मेरी एक मीडिया बंधुओं से नम्र निवेदन के साथ मांग है कि हमारे आराध्य देव महर्षि गौतम ऋषि की मूर्ति लोकसभा और विधानसभा में जहां अन्य मूर्ति लगे वहां लगाए जाए, और जैसे महान संत जो न्याय शाही के प्रतीक है जिन्होंने हिंदुस्तान में न्याय की स्थापना की, ऐसे संत की मूर्ति लगे, ये हमारी मांग है। इसके दिवसीय कार्यक्रम जो भी हमने बताया प्रेस वार्ता में, एक कार्यक्रम हमारा हो चुका है 12 मार्च को रक्तदान का, 18 मार्च को हमारा दीपदान का गंभीर नदी किनारे पर होगा, जो एक भव्य आयोजन होगा जिसमें हमारे युवा बच्चों बच्चों की प्रतियोगिता भी होगी। 19 मार्च को हमारा होली मिलन कार्यक्रम हमारे गौतम आश्रम में होगा। 20 मार्च को हमारे वाहन रैली का कार्यक्रम, जो एक भव्य वाहन रैली होगी जो अनुशासन में चलेगी, डिसिप्लिन में चलेगी और सारे नियमों की पालना करते हुए चलेगी। और 21 मार्च को हमारा शाम को हिंदू जागरण मंच के तहत प्रत्येक घर पे दीप उत्सव दीप लगाए जाएंगे, और शाम को हमारे नवीन सारसी कवि के नेतृत्व में विराट कवि सम्मेलन भरतबाग में होगा, जिसमें आप सभी से अनुरोध है कि इसका प्रचार प्रसार कर हमें वहाँ अधिक से अधिक संख्या मिले और आप सभी वहाँ पधारें। 22 मार्च को सुबह हमारा हिंदू जागरण मंच के तहत किला रोड पर, जहाँ हमारा सन्यास भवन का है चौराहे पर LIC बिल्डिंग प्रताप स्कूल पास में, सभी आगंतुकों का स्वागत कर हिंदू जागरण मंच के तहत और तिलक कर मिश्री नीम के पत्ते काली मिर्ची देकर प्रसाद वितरण किया जाएगा। यही काम सन्यास भवन के दूसरे गेट लक्ष्मीनाथ मंदिर के बाद किया जाएगा। उसके पश्चात 9 बजे हमारी एक शोभा यात्रा प्रारंभ होगी जो शहर के विभिन्न मार्गों से व्यापित वहाँ समाप्त होगी। दोपहर दिन में हमारा हवन का कार्यक्रम गांधीनगर गौतम आश्रम होगा, और 4 बजे बाद हम सभी हिंदू जागरण मंच के तहत जो इंदिरा गांधी स्टेडियम से रैली प्रारंभ होगी उसमें हमारे आर्य दीदी की झांकी लेकर हम पहुँचेंगे और उसमें भी हम भाग लेंगे। उसके पश्चात हमारा महाप्रसाद का आयोजन होगा जिसमें हमारे मुख्यालय पर 2500 से 3000 परिवार निवास करते हैं, उनका भोजन और आप सभी मीडिया कर्मी आमंत्रित सभी अतिथियों को वहाँ भोजन प्रसाद होगा, जिसमें आप सभी सादर आमंत्रित। जय हिंद, जय भारत।